हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 21 जनवरी का पेपर हुआ था सीटेट का, और वो पेपर आपका जो है सोशल मीडिया के माध्यम से है से जो है वायरल हो जाता है। तो देखिए, रही बात प्रूफ की साथी, तो देखिए प्रूफ तो कई सारे हैं आपके। ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, सभी सभी हम जो कटिंग लेकर आए हैं, ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है। और देखिए, एक पहली बात तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्योंकि मेरे पास ना कई सारे कमेंट्समेंट्स आते हैं, तो उसमें से हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि पेपर बताइएगा कैंसिल हो, जो हमारी मांग है, पेपर कैंसिल हो या री एग्ज़ाम हो या फिर बोनस अंक। क्योंकि कई साथी कह रहे थे बोनस अंक को लेकर भी बात कर रहे थे कि बोनस अंक प्रदान किए जाएं, 10 बोनस अंक या कितना जो भी है, मतलब 10 नंबर या जो भी है। और या फिर हाँ, आज किसी ने मुझे कमेंट किया था कि RTI डाली जाए। देखिए, और आप लोग ऐसे कमेंट करिए, मुझे भी राय दीजिए कि क्या चीज़ जो है पॉसिबिलिटी है। तो RTI वाली जो बात निकल के आई है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि CBSE आखिर जवाब नहीं दे रही है। तो इसका देखिए एक तरीका ये भी है, RTI के माध्यम से जो है अपने जवाब जो है वो मांगा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और या फिर इस जो आपका सीटेट पेपर लीक मामला है, इसमें जाँच होकर फैसला लिया जाए। तो ये जो मेरे हिसाब से जो ऑप्शंस निकल के इतने सारे आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं TRE, आपको ये भी पता है BPSC TRE 3 भी लगा है, तो और कहीं ना कहीं आपका चुनाव भी लगा हुआ है, तो तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आपके क्या राय है? क्योंकि वैसे मोस्टली तो बच्चों का कहना है कि 90+ मार्क्स दे के जो है सबको क्वालिफाई कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि आने वाले समय में जो है एग्ज़ाम्स लगा है। तो आप क्या चाहते हैं वो चीज़ बताइएगा। और रही बात ये देखिए प्रूफ की, तो देखिए तमाम सारी चीज़ें हैं। और हम बात कर लें कि आखिर CBSE जो है स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है, CBSE इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं बता रही है। और ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि ना कोई स्पष्टीकरण ना कोई निर्देश CBSE दे रही है, और इतना सारा। अगर देखिए, अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कह लीजिएगा कि चैनल के माध्यम से कोई चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो क्या CBSE नज़रअंदाज कर देगा? CBSE को क्या कोई जवाब नहीं देना चाहिए? ये सारी तमाम सारी चीज़ें आखिर जो निकल के आ रही हैं, ये सब CBSE से मांग ही तो की जा रही हैं, कि कोई अपने मन से जो है CBSE से मांग कर रहे हैं? भाई CBSE से हम लोग जो मांग कर रहे हैं, तो लीगली तो मांग है। और देखिए क्या है कि बच्चों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, तो इसमें ये क्या सही है क्या गलत है? CBSE ने अभी तक कोई नोटिस जो है क्यों नहीं जारी की कि इतना बड़ा जो मामला चल रहा है, पूरे भारत की बात है, और CBSE के कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जबकि CBSE तो आपको पता है साथी कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखती है। मैं इस बात को ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई CBSE जो है 10th और 12th का भी तो एग्ज़ाम करवाती है। आखिर आपके हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे भविष्य की जिम्मेदारी है, और आप जो है आने वाले शिक्षकों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए, एक राय हम और भी देंगे आपको कि ट्वीट भी करते रहा करिएगा, ठीक है? ट्वीट भी करते रहा करिएगा। चलिए फिर देखते हैं साथी, ये देखिए जो आपकी न्यूज़ निकल के आई थी कटिंग में, गायघाट वाली है, ठीक है? देखिए, सीटेट 2024 पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो सीटेट पेपर लीक मामले में गायघाट के पटशर्मा गांव से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, अभी हम आपको बता दें साथी, ये जो न्यूज़ आपकी निकल के आई थी, हमें लग रहा है कि 4 से 5 दिन हो गए होंगे, ठीक है? बट अभी भी इसमें कोई भी ऑफिशियली वो नोटिस नहीं आई है, कोई भी आपका किसी भी चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं आई है कि इस ये जो आपकी सुनवाई हो रही है। भाई, ज्यूडिशियल कस्टडी में इनको रखा गया था ना, सत्यम जी को रखा गया था कि नहीं? आखिर जो है पुलिस क्या अभी छानबीन कर रही है, कुछ चीज़ें क्या निकल के आई हैं? देखिए, वो चीज़ सांत्वना देना अलग बात होती है। हर एग्ज़ाम आपका मोस्टली जो है लीक होता है, और हर उस टाइम पे जो है फर्जीवाड़ा में लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं, लेकिन क्या आज तक कुछ पता चला कि उनके साथ क्या होता है? कोई एक्शन होता है क्या? होता है बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें साथियों, हम विद्यार्थियों के ही साथ में ऐसा क्यों होता है, सांत्वना देने के लिए? ये देखिए, इसमें आया था कि उसके पर्सनल नंबर की DP में असम में पोस्टेड एक IPS अधिकारी की तस्वीर लगी थी, ठीक है? और पेपर लीक के जो टेलीग्राम ने उसने बना रखा था, टेलीग्राम जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप्स इसने बना रखे थे इस लड़के ने, 12th, ये लड़का 12th का है सत्यम, उसके मोबाइल की जांच कर खुलासा किया गया। उसमें एक व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टेलीग्राम पर सीटेट क्वेश्चन पेपर लीक नाम का एक चैनल संचालित किया गया था, ठीक है? सीटेट क्वेश्चन पेपर लीक, ये समझ रहे हैं, ये चीज़ पॉइंट को समझिए, सीटेट क्वेश्चन पेपर लीक,
ठीक है। इससे क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ, इसे संचालित करने वाले लोग पुलिस की रडार पर हैं और इनकी गिरफ्तारी अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। भाई बताइएगा, जो लोग उनके रडार पे थे भाई, सैकड़ों नंबर पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे, वो सब रडार पर ही बने रहेंगे, क्या उनकी जाँच नहीं की जानी चाहिए? अब तो जो नियम अभी आया है साथियों, आपको बता दें, जो नियम आपका जो है अभी पारित ही हो जाएगा, उसमें पता है क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जो है जो भी पकड़ा जाएगा, जो मेन मुखिया होगा, हम बात कर रहे हैं मेन मुखिया की, देखिए मेन मुखिया मान लीजिए जैसे सत्यम है, सत्यम के पास में पेपर आया जहाँ से भी आया हो, ठीक है, अब सत्यम ने सबको वायरल कर दिया, तो जो सैकड़ों लोग पाए गए हैं वो नहीं इसमें इंक्लूड हो पाएंगे, किस में नहीं हो पाएंगे, जो आपका नया रूल आया है। और नया रूल हमारा क्या कहता है, नया रूल ये कहता है कि 10 साल की सजा हो और 1 करोड़ रुपए उसको देना पड़े, किसे देना पड़े, ये जो सैकड़ों लोग हैं इनको नहीं देना है, ये जिसने पेपर वायरल किया है उसके लिए ये चीज़ नियम बनी है, ठीक है, बनी अभी तक नहीं बनी थी क्या, तो अभी तक साथी बता दें कि इतनी कड़ी कार्रवाई तो अभी तक नहीं बनी थी, बट अब जैसे जैसे पेपर आए दिन, क्योंकि लीक हो रहे हैं, आप सभी को पता है ये सिर्फ सीटेट के पेपर लीक मामला नहीं है, आए दिन कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम जो है वायरल ही हो रहा है, लीक हो रहा है, आए दिन धरना हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देख के नियम बनाए, अब आने वाले भविष्य ही ये तय करेगा कि ये नियम कितने ज़मीन पर उतर के आते हैं, ठीक है। अभी देखिए पुलिस अगर चाहे तो भाई 1 से 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें तो लग रहा है 5 दिन हो गए अब, लेकिन सत्यम के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कोई अता पता नहीं है, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सत्यम को इसी चैनल से पेपर मुहैया कराया गया था, ठीक है, और पुलिस ने बताया कि सत्यम का पर्सनल नंबर 2 नंबर भी 2 कॉलर पर IPS अधिकारी के नाम से बताता है, बताइएगा, समझ रहे हैं, IPS अधिकारी के नाम व तस्वीर का उपयोग कहां और कैसे किया गया है इसकी भी जांच चल रही है। तो आप आप लोग समझ सकते हैं गाइस, कितने बड़े लेवल पे और कितना ज़्यादा माइंडेड ये लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें जो हैं लीक हुई। ये वाले तो आपने देखा ही है, परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर, देखिए कहीं पे व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ साथी, और कहीं पे जो है आपका टेलीग्राम के माध्यम से जो है पेपर आपका लीक हुआ है। अब ये कटिंग आपकी, देखिए ये आपके दैनिक भास्कर की है, मैं कटिंग इसकी जो है दैनिक भास्कर की है करके लाया हूँ, जो आपका ये देखिए बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2014 को देश भर के विभिन्न शहरों में किया गया, ठीक है, पूरा आपके ऑल इंडिया में ही हुआ था ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है, विभिन्न जिलों में हुआ था, विभिन्न जिलों व शहरों में दर्जनों सालवर गिरफ्तार होने की खबरें आई थी। देखिए सीटेट 2024 परीक्षा देश भर में आयोजित की गई, इस परीक्षा में अलग अलग शहरों से कई सॉल्वर पकड़े गए, देख रहे हैं साथी यहाँ पे क्या लिखा है, कई सॉल्वर पकड़े गए हैं, ठीक है, और वो पकड़े गए हैं, तो आखिर क्या CBSE तक ये सूचना नहीं बताई गई कि सॉल्वर जो हैं पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं? प्रयागराज में भी सॉल्वर की सक्रियता रही है और सेटिंग करके दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 2 सॉल्वर बायोमेट्रिक जाँच में भी देखे पकड़े गए हैं, इनमें से एक के खिलाफ सिविल लाइन्स तो दूसरे के खिलाफ नैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वहीं दोनों अभ्यर्थियों को पुलिस ने वांटेड किया है और सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि रानी रेवती इंटर देवी इंटर कॉलेज में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शंकरगढ़ के रोहित केसरवानी की जगह कोराव का अभिषेक कुमार पटेल पेपर देने पहुँचा था। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए दूसरा एक छात्र पहुंच गया इस वाले सेंटर में, कौन सा, रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज, और हम अभी भी कह सकते हैं कि ये कॉलेज में अभी कोई एक्शन नहीं किया गया होगा, मुझे ये भी पता है कोई नहीं किया गया होगा, भाई आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि इस सेंटर को ही पूरा लीक कर दें, कभी भी ये चलना ही नहीं चाहिए, बताइएगा, दूसरे के उसमें कर रहा है, और जो है कुमार पटेल पेपर देने पहुंचा था, उसने रोहित के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था, परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच की गई तो मैच नहीं हुआ, इसके बाद उसकी फिर से पूरी जांच कराई गई और इस दौरान अभिषेक का फर्जीवाड़ा सामने आया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, सिविल लाइन्स ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया और अभिषेक और रोहित दोनों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम व फर्जीवाड़ा की धारा में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, ये तमाम सारी बातें लिखी हैं। और वहीं ये दूसरी ओर ये तो ये देखिए गाजीपुर में भी पकड़े गए, ठीक है, गाजीपुर में जो सेंटर बने थे आपके 62 केंद्र बने थे सिर्फ गाजीपुर में, ठीक है, 62 केंद्रों में रविवार को सीटें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई गई और परीक्षा के दौरान दिलदार नगर स्थित क्रिसेंट कॉन्वेंट स्कूल में सीटेट जो है आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह, ये देखिए दूसरे की जगह यहाँ पर भी सॉल्वर पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें साथी हो रही हैं, क्या CBSE के कानों तक ये बात नहीं पहुँच रही है? ये देखिए वाराणसी में भी हुआ है, वाराणसी में सीटेट में पेपर दे रहे 2 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो 2 सॉल्वर की बात आ रही थी,
तो ये सारे मुद्दे साथी जो हैं कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में हैं। और देखिए 50 ये यहाँ पे जो मेन मुखिया था, यहाँ देखो 35 से 50 हज़ार रुपये मिलने थे उसे, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं साथी, चंदौली, नालंदा, मुबारकपुर, ये चीज़ देख रहे हैं भाई, बिहार में भी हुआ है, ये देख रहे हैं यूपी के कॉलेज में भी हुआ है, पंडित दीनदयाल नगर, चंदौली है वो आपका, और नालंदा हो गया बिहार का, और मुबारकपुर हो गया, ये तमाम सारी, वाराणसी हो गया। अभी कोई बच्चा कह रहा था कि लखनऊ में भी हुआ था, कमेंट किया था उसने, तो बताया था कि जो है लखनऊ में भी हो। तो पेपर आपका देखिए, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है, ठीक है। तो पेपर आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जगह कहीं पे हुआ है भाई, सोशल मीडिया का ज़माना आप समझ ही सकते हैं कि सोशल मीडिया में पेपर कहाँ से कहाँ सेकंडों में पहुँच जाता है। और लेकिन बात यह है कि ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि CBSE को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई, कोई फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा है। चाहे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रयास भी किए हैं, लेकिन चलिए ठीक है, और भी प्रयास करते हैं, जैसे कि आपका ट्विटर के माध्यम से हो गया, और कहीं ना कहीं RTI वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप लोग यहाँ सजेशन दीजिए कि जो है क्या 90 मार्क्स सही रहेगा, या फिर री एग्ज़ाम, या फिर कौन सा बोनस अंक मिले, बोनस अंक को लेके भी बात चल रही है, या फिर जांच की जाए और जांच करके कोई इसका अलग से फैसला लिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग बिल्कुल राय दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।